बदतमीज, क्या करती है तूने ये? कब से जानता तुझको? एक महीने से कम ये तो जान लेता ये किस खानदान की है। इसके माँ बाप का पता नहीं, इसके घर का पता नहीं, कहाँ की है, कौन है, किस जात की है, बस मुंह उठाया शादी कर ली। भैया मुझे क्या मतलब है इसके माँ बाप से? मैं इससे प्यार करता हूँ, ये मेरे से प्यार करती है, कर ली शादी। और हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, समझे? तुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है। मैं क्या जवाब दूंगा लोगों को कि मेरे भाई ने किसी भी राह चलती लड़की से शादी कर ली? देख, ये इस घर में नहीं चलेगा। अगर जो तेरे को इस घर में रहना है ना, इस लड़की को अभी धक्के मार के घर से बाहर निकाल, वरना तू भी इसके साथ जा सकता है। ऐसे लोगों की मेरे घर में कोई जगह नहीं है। भैया एक बात ना आपको साफ साफ बता दूं, इस घर से ये नहीं जाएगी, आप जाओगे, समझे? लगता है आप भूल रहे हो, बाबूजी ने ये घर ना मेरे नाम पे कर रखा है, आपके नहीं। तो फटाफट निकलो इस घर से। तू एक दिन ना बहुत पछताएगा। हाँ वो देख लेंगे कौन पछताएगा कौन नहीं। मैं अपनी बीवी के लिए ना कुछ भी नहीं सुन सकता, समझे? अब निकलो यहां से। अरे सुनो, एक काम करो, एक कप चाय बना दो। क्यों, तुम्हारे खुद के हाथ पर काम नहीं करते क्या? खुद उठो जाकर अपने लिए चाय बना लो। मेरे हाथ पैर करते हैं काम, अगर तुम बना दोगी क्या हो जाएगा? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं बाहर जा रही हूँ। बाहर जा रही हूँ? इस टाइम कहाँ जा रही हो? मैं अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जा रही हूँ। इस टाइम तुम अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जा रही हो, वो भी ऐसे कपड़े पहन के? क्यों, शादी से पहले तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना इन कपड़ों से, और अब तुम्हें एकदम से प्रॉब्लम भी होने लगी? हाँ होने लगी है प्रॉब्लम, तुम्हारे इन कपड़ों से भी और तुमसे भी। अच्छा तुम्हें क्या प्रॉब्लम होती है मुझसे? अगर किसी की बीवी इतनी रात में ऐसे कपड़े पहन के पराए मर्द के साथ जाएगी तो बुरा नहीं लगेगा? तुम्हारे दिमाग में ना कचरा भर गया। कचरा ना मेरे दिमाग में नहीं, तुम्हारे दिमाग में भर गया है, समझी? और कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने के, अंदर जाओ। महक, मैं तुम्हारा कब से गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, मूवी देखने नहीं जाना है? सुनो मेरी बात, कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, अंदर बैठो। और अगर आज तुम बाहर गई तो भूल जाना हमारे रिश्ते को, भूल जाना मुझे, और कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे वापस आने की। अगर किसी रिश्ते को चलाने के लिए मुझे भी किसी शर्त को लागू करना पड़ेगा ना, तो मुझे भी ऐसे रिश्ते में रहने का शौक नहीं है। हाँ हाँ जाओ जाओ। अरे तुम्हारे लिए क्या बड़ी बात है, जिसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया मुझे भी छोड़ देगी वो? अच्छा तुम बोल तो ऐसे रहे हो कि जैसे मैं ही अपनी फैमिली को छोड़कर आई थी। तुमने अपने परिवार को नहीं छोड़ा क्या? तुम तो जैसे उन्हें अपने साथ लेकर आए थे। डिवोर्स के पेपर ना मैं तुम्हारे मुंह पर फेंकूंगी। चलो संदीप। भैया मुझे माफ कर दो भैया, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, ना जाने मैंने आपको क्या कुछ नहीं बोला, यहां तक कि घर से भी निकाल दिया। प्लीज भैया हो सके तो मुझे माफ कर देना। क्या हुआ, छोड़ के चलेगी? मैं तेरे को उस दिन भी समझा रहा था ना, शादी हमेशा परिवार की मर्जी से करनी चाहिए, ऐसे ही किसी से शादी नहीं की जाती, नहीं तो अच्छी खासी जिंदगी नरक बन जाती है। अब मैं समझ गया भैया आपकी ये बात। चल कोई नहीं, मैं तेरे साथ ही भाई।